की टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कपिल शर्मा को अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म बैंक चोर से हाथ धोना पड़ा। कुछ महीनों पहले ये खबर आई थी कि कपिल को यशराज फिल्म्स ने 3 फिल्म डील ऑफर की है और उस कड़ी में बैंक चोर वो पहली फिल्म होगी जिसमें कपिल काम करेंगे। बैंक चोर देखिए वो हाँ वो यशराज की एक मूवी है जो मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ से शायद इसकी शूटिंग स्टार्ट है और अच्छा लगता है कि घर बैठे बैठाए फिल्म मिल गई। घर बैठे बैठाए नहीं, हाँ ऑब्वियसली काफ़ी उसके लिए स्ट्रगल भी है पीछे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हाँ यशराज ने 3 फिल्में ऑफर की है, वो पहली फिल्म जो है वो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाली है। इसके बाद कपिल ने सबको खुशी खुशी ये बताना भी शुरू कर दिया था कि वो यशराज बैनर की एक फिल्म कर रहे हैं। बैंक चोर देखिए अभी तक उसके स्क्रिप्ट पे और कास्टिंग पे काम चल रहा है, बिकॉज जो मैंने भी पेपर्स में पढ़ा कि उसकी रिलीज डेट जो है वो नेक्स्ट ईयर है मार्च में है, तो जल्दी उसका काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिल्म फ्लोर पे जाएगी। इसके बाद खबरें आईं कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कपिल को अपना वजन कम करने के लिए कहा है और कपिल ने वजन कम करने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा है। नहीं यार ये डाइटिंग वाइटिंग वाला चक्कर मेरे से नहीं होता, पता नहीं ये लड़कियां कैसे करती हैं, घास फूस ब्रोकली वगैरह खाती रहती। मैं शो जरूर करता हूं कि मैं डाइटिंग पे हूं, मैं खाता हूं पराठे वराठे राजमा चावल दबा के। इसके बाद सुनने को मिला कि कपिल जिस दौरान अपनी फिल्म शूट कर रहे होंगे उस दौरान वो अपने शो को शूट नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने शो के कुछ एपिसोड्स बैंक करना चाहते हैं। अभी तैयारी करने का टाइम नहीं लग रहा, बिकॉज इसी में इतना बिजी है, ट्वाइस इन ए वीक शो है हमारा, सो कोशिश है कि उसमें भी बेहतर काम करूं और लोग उसमें भी पसंद करें। उसी वक्त ये भी सुनने को मिला कि कपिल ने अपने शो को टेलीकास्ट करने वाले चैनल से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके शो को भी बाई वीकली से वंस वीक कर दे। वंस इन ए वीक आई हैव टू डू, बिकॉज मेरे पास और कोई चारा नहीं है अदरवाइज, क्योंकि शो का होस्ट मैं हूँ, प्रोड्यूसर मैं हूँ, खुद एक्ट करने होते हैं, सो काफी दारोमदार मेरे पे रहता है, सो मुझे नहीं लगता है कि मैं ट्वाइस इन ए वीक इसको रख के और साथ में फिल्म भी कर पाऊंगा। लेकिन चैनल के लोग उनकी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। जैसे फिल्म पूरी होती है उसको दोबारा हम लोग ट्वाइस इन ए वीक लेके आएंगे, ये मेरे अपने तरफ के बयान है, चैनल तो मान नहीं रहा है, वो तो कह रहे भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये ले अभी नहीं अभी तो मुझे थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ रही है चैनल के साथ, उम्मीद है कि वो मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको वंस इन ए वीक लेके आएंगे। ये वो सारी बातें हैं जो कपिल ने खुद हमें बताई थी, लेकिन इस सब के बाद अचानक ये खबर आई कि कपिल अब इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। उनकी जगह सुनील ग्रोवर और अली असगर को अप्रोच किया जा रहा है। किसी ने कहा कपिल को फिल्म से आउट कर दिया गया है क्योंकि वो समय नहीं निकाल पा रहे थे। किसी ने कहा फिल्म के लिए जो फीस दी जा रही है वो उनको काफी कम लगी, इसीलिए वो फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं असली खबर। सुनने में आया है कि कपिल को साइन करने वाला प्रोडक्शन हाउस एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाता है और उनकी इच्छा ये थी कि कपिल अपने टैलेंट को मैनेज करने की जिम्मेदारी उस कंपनी को दे दे, जिससे कपिल को ऑफर होने वाली हर डील, फिर चाहे वो एड फिल्म की हो या किसी शो की, उसका एक बड़ा हिस्सा उस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की झोली में आ जाए। कपिल को लगा कि उनको फिल्म ऑफर करने के नाम पर ठगा जा रहा है, उनको 3 फिल्मों का लालच देकर उनके पूरे करियर पर नजर रखने का काम हो रहा है। वैसे भी उस फिल्म में काम करने के लिए कपिल को जितने पैसे मिल रहे थे वो तो कपिल 1-2 दिन किसी एड फिल्म या शो में परफॉर्म करके कमा सकते हैं। बस फिर क्या था, कपिल ने टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अपना सौदा करने से इनकार कर दिया और उस प्रोडक्शन हाउस के साथ हुई अपनी 3 फिल्मों की डील भी कैंसिल कर दी। नतीजा ये कि अब नए बैंक चोर की तलाश हो रही है। उम्मीद है सुनील ग्रोवर या अली असगर में से कोई एक जरूर इस फिल्म में दिख सकता है।